जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके सपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में, जहां हम आपके समक्ष लेकर के हाजिर होते हैं रोज का पंचांग और रोज का राशिफल। कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, क्या कहती है आज आपकी राशि, लेके मेष राशि से और मीन राशि तक सभी राशियों की बात करेंगे और सभी के लिए क्या शुभ होगा आज, किस अंक का उनके लिए आज शुभता ज्यादा रहेगी और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें, सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग की। भाग्य दर्पण उम्मीद की एक किरण, दिनांक 15 सितंबर 2021, दिन बुधवार, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, सुबह 11:19 तक, तदोपरांत दशमी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। नक्षत्र पूर्वाशाला, सुबह 4:56 तक, तदोपरांत उत्तराशाला नक्षत्र रहेगा। योग सौभाग्य, रात्रि 12:52 तक, तदोपरांत शोभन योग रहेगा। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:16 से दोपहर 1:48 तक और गुलिक काल का समय होगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:16 तक। राहुकाल बेहद ही अशुभ समय होता है, कोई भी नया अशुभ कार्य इस समय पर न करें। गुलिक काल बहुत शुभ समय होता है, कोई भी नया शुभ कार्य आप इस समय पर अवश्य कर सकते हैं। यह थी बात आज के पंचांग की, अब बात करेंगे आज के राशिफल की। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मेष राशि, आज आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ऑफिस में आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके बारे में आप अपने सीनियर से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए घर के सभी सदस्यों की राय जरूर ले लें। आज काम आपके मन मुताबिक पूरे होने पर जीवन साथी आपसे खुश होगा। बिजनेस में भारी लाभ होने की उम्मीद है। सुबह उठकर जॉगिंग पर जाने से या एक्सरसाइज करने से दिन तरोताजा, दिन भर आप खुद को महसूस करेंगे, दिन अच्छा बीतेगा। सूर्य देवता को जल अर्पित करें, सारे काम सफल होंगे। मेष राशि वालों को आज की सलाह, मुश्किलें अचानक से बढ़ जाएंगी लेकिन परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिस्थिति में खुद को संभाल लें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और शुभ अंक होगा 4। वृषभ राशि, बिजनेस के कार्यों में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के लिहाज से, बिजनेस के कार्यों के लिहाज से आज का दिन बहुत बेहतर है आपके लिए। हर काम को धैर्य और समझदारी से आप पूरा करेंगे। आपको करियर से जुड़ा कोई सुनहरा मौका भी आज मिल सकता है। थोड़ा सा आप कार्य से एक आध दिन की छुट्टी ले लें बेहतर रहेगा, तरोताजा फील करेंगे और आपके एब्सेंस में भी सारे काम ठीक से चलते रहेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियों से भरा आज रहने वाली है, बहुत सारी खुशियां रहने वाली है। वैवाहिक जीवन आपका आज बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यकुशलता में कमी रहेगी, कोई बड़ी गलती हो सकती है। वृषभ राशि वालों को आज की सलाह, आज किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग होगा पीला और शुभ अंक होगा 8। मिथुन राशि, आप रचनात्मक उद्देश्यों में इसका पूरा उपयोग करने में सफल होंगे। व्यापारिक क्षेत्र में आप कुछ विपरीत स्थितियों से दृढ़ता से निपटेंगे। आज प्रगतिशील बदलाव आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। आपकी स्थिति महत्वाकांक्षा को पूरा करने वाली होगी। आज अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप पूरा कर पाएंगे। आय के स्तर में सुधार संभव है। कुछ नए अधिग्रहण भी आज आपके द्वारा हो सकते हैं। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे और आपकी लोकप्रियता आज बढ़ सकती है। मिथुन राशि वालों को आज की सलाह, आज किसी को उधार देने से बचें वरना पैसा फंस सकता है और डूब भी सकता है। शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 1। कर्क राशि, आपको कुछ अच्छे मौके मिलने के योग बन रहे हैं। सही स्थिति और अपने लिए सही ऑप्शन को समझने की पूरी कोशिश करें। धैर्य रखना होगा। ऑफिस या किसी और जगह पैसों से जुड़ा नुकसान भी हो सकता है। मन की बात या कोई योजना आप किसी से शेयर ना करें। कोई पर्सनल बात भी सबके सामने आ सकती है आज। कोई नया कार्य शुरू ना करें। किसी भी बड़े काम के लिए समय ठीक नहीं है। थोड़ा रुकें और विचार करके कार्य करें। कर्क राशि वालों को आज की सलाह, कोई आपका दिल दुखा सकता है और इसे लेकर आप उदासीन रवैया अपना सकते हैं। किसी की बात को ज्यादा न सोचें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए होगा भूरा और शुभ अंक होगा 4। सिंह राशि, आज आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस राशि के लोग अगर नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन शुभ है। आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। आपकी नई कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप फिजूल के खर्च को कम करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा। एडवोकेट्स के लिए, वकीलों के लिए या जो न्यायिक प्रशासन या न्यायिक कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज कोई भी जरूरी केस आपके पक्ष में आ सकता है।
हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं, सारे कार्य सिद्ध होंगे। सिंह राशि वालों को आज की सलाह, छात्रों को अपने अध्यापकों से किसी बात को लेकर थोड़ा डांट सुननी पड़ सकती है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें वरना रिजल्ट भी खराब हो सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रह और शुभ अंक होगा 2। कन्या राशि, नौकरी या व्यवसाय से जुड़े कुछ मुद्दे हल हो जाएंगे। चोट व दुर्घटना से हानि की संभावना है। आपके ऑफिस में बेहतर नतीजे मिलेंगे आपको और आपके सहकर्मी भी आपके सहयोगी बनेंगे। घर गृहस्थी का भरपूर आनंद मिलेगा। जोखिम भरे कार्यों को करने से भी लाभ प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में दिन कमजोर रहेगा। आपके कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण होते रहेंगे। सभी शिकायतें गायब हो जाएंगी। बुद्धि व ज्ञान की वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। कन्या राशि वालों को आज की सलाह, कोई महत्वपूर्ण कार्य अचानक से अटक सकता है जिससे मनोबल में कमी होगी। किसी अपने के द्वारा आपकी सहायता की जाएगी लेकिन संतोष नहीं मिल पाएगा। शुभ रंग होगा मेहरून और शुभ अंक होगा 5। तुला राशि, आज भाग्य आपके साथ है। आप प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। आज आप किसी नए साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको लाभ दिलाएगी। अगर आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं। वित्तीय मामले आसानी से आगे बढ़ेंगे। प्रतिद्वंदी गतिविधि आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। पारिवारिक जीवन आनंद में रहेगा और आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। मनोरंजक यात्रा रहेगी। मानसिक शांति का अनुभव भी आपको आज होगा। तुला राशि वालों को आज की सलाह, असामाजिक व्यक्तियों की संगति से हानि उठानी पड़ेगी तथा घर में आपको लेकर रोष उत्पन्न होगा। ऐसे में यदि आपने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं किया तो भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और शुभ अंक होगा 3। वृश्चिक राशि, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने के योग बन रहे हैं। खुद के लिए भी समय निकालें। आपके लिए अच्छा क्या रहेगा ये जरूर सोचा करें। पुरानी बातों पर सोचना बंद कर दें। पुरानी चिंता के साथ आने वाले दिनों की टेंशन भी बनी रहेगी, इसलिए पुरानी बातें फालतू में ना सोचें। हालांकि आपके मन में रह रहकर पुरानी बातें ही चलेंगी। किसी से बेवजह ना उलझें। बिजनेस में आज कोई जोखिम ना लें। वृश्चिक राशि वालों को आज की सलाह, माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है, उनका ध्यान रखें। किसी भी डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें। शुभ रंग होगा संतरी और शुभ अंक होगा 9। धनुराशि, आज आपका दिन यात्रा करने में बीतेगा और ये यात्रा ऑफिस के काम से रिलेटेड हो सकती है। आज किसी दूर के रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज इस राशि के इंजीनियर्स के लिए दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के लिए ईमेल आ सकती है। आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज आपके आर्थिक पक्ष में स्थिरता रहेगी। शंकर जी को जल अर्पित करें, सभी कार्य सिद्ध होंगे। धनुराशि वालों को आज की सलाह, किसी मित्र के द्वारा आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जिस कारण संबंधों में खटास भी उत्पन्न होगी, इसलिए बहुत सतर्क रहें। शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 7। मकर राशि, आज आपको आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। आपकी ही कुछ बातों में टकराव और तनाव होने के योग बनते हैं। आज आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बिना सोचे समझे निर्णय ना लें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने बोले गए शब्दों पर एक जांच रखने के लिए बुद्धिमान बात हो सकती है कि नहीं। कुछ लोगों का आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, कुछ लोगों से आप सलाह भी ले सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए। मकर राशि वालों को आज की सलाह, आज किसी से झूठ ना बोले वरना भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका झूठ आप ही के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 8। कुंभ राशि, आज किसी निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच पाएंगे और यह स्थिति आपको मानसिक उलझन और तनाव में डालेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी कमजोरियों को किसी के आगे न शेयर करें, किसी को न बताएं, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप मजबूर हैं या परेशान हैं, इसका आभास भी किसी को न होने दें। नौकरी बदलने का ख्याल अभी छोड़ दें। आर्थिक पक्ष यथावत रहेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी मामूली परेशानियां आ सकती हैं। कुंभ राशि वालों को आज की सलाह, आज किसी व्यक्ति से आप उधार ना लें वरना चुकाने में दिक्कत आ सकती है। शुभ रंग होगा स्लेटी और शुभ अंक होगा 1। मीन राशि, आपने जो काम हाथ में लिया है उस पर बारीकी से विचार करें। दोस्त मददगार रहेंगे। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ समय भी अच्छा बीतेगा। आपको अचानक छोटा मोटा फायदा हो सकता है। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ सकती है। खुद पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ना चाहते हुए भी कोई राज की बात लोगों को बता सकते हैं। पैसों की स्थिति को लेकर भी तनाव रह सकता है। कुछ खास काम अधूरे रह सकते हैं या रुकावटें आने के योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों को आज की सलाह, किसी अपने के साथ कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा है तो उसको आज सुलझा लें वरना बात बढ़ सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए केसरी और शुभ अंक होगा 6।
ये थी बात आज के राशिफल की। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा बीतेगा आपका आज का दिन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।